मेरी कविता का शीर्षक है सच से आज मुलाकात हो गई। सच से आज मुलाकात हो गई, धूमिल कांति ही स्वरूप देखकर मैंने पूछ ही लिया ये कैसा स्वरूप बनाया है, दर्शन भी दुर्लभ हो गए हैं अब तो। सच ने कहा इस युग ने ही ये स्वरूप दिया है, झूठ ग्रहण बनकर कभी आधा या कभी पूरा ही मुझे निगल जाता है। मैंने तर्क किया अभी भी सच लिखने वाले पत्रकार दिखते हैं। सच ने कहा सच लिखकर छप जाए और अगर छप भी जाए तो उसे कितने लोग पढ़ पाते हैं, मेरा कांतिवान रूप बहुत कम लोगों तक ही पहुंच पाता है। मैंने फिर तर्क किया रिश्तों में सच जीते हैं हम अभी भी, सास बहू भाई बहन चाचा भतीजी जीजा साली कितने ही रिश्ते हमारी सभ्यता का हिस्सा बने हुए हैं। सच ने कहा सच है, पर इन रिश्तों में कब दरारें पड़ जाती हैं और रिश्तों में खोखलापन आ जाता है, रिश्तेदारों को पता भी नहीं चलता और सच का दम निकल जाता है। सास की थपकी में बहू को स्वार्थ दिखता है, बहन की गरीबी भाई की शान शौकत भरी जिंदगी पर दब्बा बन जाती है तो भाई बहन से नजरें चुरा लेता है, भतीजी का रूप कब चाचा का ईमान डोल कर भतीजी का दामन दागदार कर जाती है, खुद सच को भी पता नहीं चलता और रिश्तों का सच रिश्तों के झूठ में दफन हो जाता है। मैंने आखिरी तर्क किया रिश्तों में एक रिश्ता है जो सच जितना ही पाक है, निस्वार्थ प्रेम से भरा है, सच हैरान सा देख रहा है, जानने की उत्सुकता में उत्साहित हो गया है। मैंने कहा माँ और बच्चों के रिश्तों में निस्वार्थ प्रेम है, सच्चाई है, ऐसा पवित्र प्रेम जिससे भगवान को भी ईर्ष्या हो जाए। सच का स्वरूप निखर गया, वह फिर कांतिवान निर्मल निश्चल और उज्जवल हो गया। सच से आज मुलाकात हो गई। धन्यवाद।